हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे लर्नर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। ये सीरीज़ उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स SSC, रेलवे, DRDO एक्सेट्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, PALV अ डच फर्म साइंड MOU विद विच गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सेटअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फ्लाइंग कार। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट, PALV फ्लाइंग कार हैज हाउ मैनी इंजन। तो आपके ऑप्शन हैं 3, 1, 2, 4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2। The Union Government launched a comic for COVID-19 awareness. In this comic, government using which superhero to fight with COVID-19? Union Government ने कोरोना वायरस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक कॉमिक पब्लिश करी थी। उस कॉमिक में गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से लड़ते हुए किस सुपर हीरो को दर्शाया है, उसका क्या नाम उन्होंने रखा है। आपके ऑप्शन है शक्तिमान, छोटा भीम, वायु, ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर है वायु, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ G20 नेशन वाज हेल्ड इन विच नेशन। आपके ऑप्शन है इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना। फ्रेंड, जैसे कि सबको पता है कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैल चुका है, जिसकी वजह से सभी जो इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं, वो सब कैंसल्स हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। तो उसी के चलते G20 नेशंस की एक समिट होनी थी, जो कि ये जो समिट है अब वो ऑनलाइन होगी, जिसको हम वर्चुअल समिट कहेंगे। और ऐसा करने वाला पहला नेशन कौन है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स फॉर्मर CJI रंजन गोगोई टू राज्यसभा। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अभी दो दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने फॉर्मर CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नॉमिनेट करा है। ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत उनको मिलती है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 83, आर्टिकल 80, आर्टिकल 79, आर्टिकल 81। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 80। नेक्स्ट, विच सिटी स्टेट बिकम द फर्स्ट वेन्यू फॉर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2020। जो कि आपको पता है कि इंडिया 2020 में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का होस्ट है। तो इसमें जो पहला वेन्यू सेलेक्ट किया गया है, वो कौन सा, को किस सिटी को किया गया है? उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर, दिल्ली, चेन्नई। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेडियम विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट अ फीफा कंपटीशन इन ओडिशा। आपके ऑप्शन है कलिंगा स्टेडियम, चेन्नई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पालजोर स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। आपका ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कलिंगा स्टेडियम। नेक्स्ट, हु रिलीज द वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2020। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु सेड गूगल फेसबुक हैज टू पे रिवेन्यू। किस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने या संघ ने ये कहा कि गूगल फेसबुक को रिवेन्यू पे करना होगा? आपके ऑप्शन है SAR, G20, G7, UN। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, G7 नेशंस ने ये कहा। अगला, चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम किस राज्य ने चालू करी है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए ये स्कीम चालू करी है। कोरोना वायरस इट्स बिगेस्ट चैलेंज सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज सेड बाई विच नेशंस लीडर। किस राष्ट्र के नेता ने यह स्टेटमेंट दी थी कि कोरोना वायरस वर्ल्ड वॉर सेकेंड से भी बड़ा चैलेंज है? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। इन विच सिटी इंडियन नेवी हैज सेट अप अ क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर इंडियन नेशनल बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम कोरोना वायरस अफेक्टेड नेशन। आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, चेन्नई। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो विदेशों में फंसे हुए अपने जो नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट कर रही है
और भारत ला रही है, तो उसको उनको क्वारंटाइन करने के लिए इंडियन नेवी किस सिटी में क्वारंटाइन फैसिलिटी सेटअप कर रही है? तो आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, चेन्नई। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, हु वॉज द फॉर्मर एस बी आई पर्सन चेयरपर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ सेल्सफोर्स इंडिया? आपके ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, प्रदीप चौधरी, जॉन मेथाई, रजनीश कुमार। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट, विच बैंक अनाउंस 6.5 मिलियन US डॉलर पैकेज फॉर इट्स डेवलपिंग कंट्री टू टैकल द कोरोना वायरस पेंडेमिक? किस बैंक ने 6.5 बिलियन US डॉलर का पैकेज अनाउंस करा है अपने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ यस बैंक? ऑप्शन है आपके सुनील मेहता, प्रशांत कुमार, महेश कृष्णमूर्ति, अतुल बेहरा। तो आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत कुमार। नेक्स्ट, रोपैक्स अ न्यू पैसेंजर फेरी सर्विस इज वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? रोपैक्स नामक एक नई पैसेंजर फेरी सर्विस चालू करी है, वो किस स्टेट ने चालू करी है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे 2020? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2020 की थीम क्या थी? आपका ऑप्शन है परफेक्ट कंज्यूमर, सस्टेनेबल कंज्यूमर, विजिलेंट कंज्यूमर, लीविंग नो कंज्यूमर बिहाइंड। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सस्टेनेबल कंज्यूमर। हु वॉन मैन सिंगल टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020? तो इसका ऑप्शन है विक्टर एक्सेलसन, के श्रीकांत, पी कश्यप, लिंडेन। तो अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विक्टर। नेक्स्ट, हु वॉन इंडियन सुपर लीग टाइटल? इंडियन सुपर लीग टाइटल किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, रियल कश्मीर, ATK, मोहन बगान। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओगे कि इंडियन सुपर लीग टाइटल किस खेल से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल टू इवेल्युएट वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19? कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए किस कंट्री ने ह्यूमन ट्रायल चालू कर दिया है? आपके ऑप्शन है रसिया, ईरान, USA, इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी USA ने। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ 12th Fail Book? 12th Fail Book के राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ला, अनुराग पाठक, अमित शाह, अरुण जेटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुराग पाठक। ये भी एक IPS ऑफिसर हैं फ्रेंड, और ये जो 12th Fail Book है वो इन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर लिखी है, वो भी एक IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, जो कि 12th में फेल हो गए थे। फ्रेंड, ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार इसको पढ़ें। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ कर्म युद्ध ग्रंथ? कर्म युद्ध ग्रंथ के राइटर कौन है? आपका ऑप्शन है अमित शाह, राहुल अग्रवाल, राजमोहन गांधी, अशोक गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अमित शाह। फ्रेंड, ये जो अमर ग्रंथ योद्धा ग्रंथ अमर कमर सॉरी कर्म योद्धा ग्रंथ जो बुक लिखी है अमित शाह जी ने, वो माननीय मोदी जी के ऊपर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ मातोश्री? मातोश्री के राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है रघुराम राजन, प्रभात राजन, आशीष राय, सुमित्रा महाजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे? वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन है 4 फरवरी, 5 जनवरी, 3 फरवरी, 1 फरवरी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4 फरवरी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? वर्ल्ड वाटर डे का क्या थीम था? तो आपके ऑप्शन है सेव वाटर फॉर फ्यूचर, नेचर एंड क्लाइमेट चेंज, I am and I will, I am generation for future। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेचर एंड क्लाइमेट चेंज।